नमस्कार, जेबीटी एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर ने उस दौर के नए नवेल एक्टर शाहरुख खान को रातों रात स्टार बना दिया था। कुछ ऐसा ही बॉबी देओल के साथ भी हुआ था जब बाजीगर के 5 साल बाद फिल्म सोल्जर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तो ऐसे में आज हम आपको बताते हैं शाहरुख और बॉबी देओल की उन दोनों फिल्मों के बारे में जो कि एक ही टॉपिक पर बनी और दोनों ही फिल्मों ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया। दरअसल साल 1993 में आई शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर और 1998 में आई बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर बदले की आग पर बनाई गई फिल्म है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों ही फिल्मों में बहुत कुछ सामान्य था, जैसे कि दोनों फिल्मों में डायरेक्टर अब्बास मस्ताने थे, दोनों फिल्मों के निर्माता कंपनी म्यूजिक कंपनी थी, दोनों फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक थे और इतना ही नहीं बल्कि दोनों ही फिल्में थ्रिलर थीम पर बनी थी। दोनों का थीम था बदला और दोनों ही फिल्मों के हीरो बचपन से ही बदले की आग में जल रहे थे। इसके अलावा दोनों ही फिल्मों में मां के रोल में राखी गुलजार थी और दोनों ही फिल्मों में हीरो विलन तक पहुंचने के लिए हीरोइन का सहारा लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिल्म के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8.25 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म सोल्जर ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 38.88 करोड़ की कमाई की थी, जबकि शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर को बनने में मेकर्स के कुल 4 करोड़ लगे थे और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो किया था वो था 32 करोड़ का। दोनों ही फिल्में अपने दौर की सुपरहिट फिल्में में शामिल हुई थी। आपको बता दें शाहरुख खान ने साल 1992 में आई फिल्म दीवाना से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, वहीं 1995 में आई फिल्म बरसात से बॉबी देओल ने बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते आज शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए और बॉबी देओल का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल सका। फिलहाल आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप बॉबी देओल और शाहरुख खान में से किसके ज्यादा फैन हैं और ऐसी एंटरटेनिंग खबरों के लिए आप देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट।